अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई, किधर जा रहे हैं? ओ वालेकुम सलाम यार, वो एक छोटा सा काम था तो मैं जरा मार्केट वाली साइड पे जा रहा था। अभी मिठाई कब खिला रहे हैं? आपका बाइक मैंने सेल कर दिया, वो भी बहुत अच्छी कीमत में। यार मिठाई की जहाँ तक बात है वो मैं आपको कुछ दिन के बाद खिला दूंगा, असल में ना हालात बहुत टाइट जा रहे हैं मेरे। क्यों, क्या हुआ? यार एक दोस्त है, उसका एक्सीडेंट हुआ है, तो उसके लिए पैसे चाहिए थे, इसलिए मैंने आपको जो वो जो पैसे हैं ना आपके बाइक के, वो मैंने आपके ना अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए हैं। अच्छा, आपने कर दिए हैं, बहुत शुक्रिया यार। असल में आज रात को ही ऑपरेशन था तो आपने तो बहुत अच्छा कर दिया। अभी मैंने अपना मोबाइल भी सेल कर दिया है तो हाँ, मैंने कॉल की है, काफ़ी बंद जा रहा था नंबर, मैंने सोचा पता नहीं क्या हुआ, इसलिए मैं ना आपको खुद बताने आ गया हूँ, हो सकता है ज़रूरत हो। हाँ यार बस ऐसी है, लेकिन यार दुआ करना यार, दोस्त का ऑपरेशन है, उसके लिए पैसे वगैरह मैं इसीलिए मैंने बाइक सेल कर दी है जी। हाँ यार अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए तो आपका बहुत शुक्रिया। मिठाई की जहाँ तक बात है, आपको कुछ दिन के बाद इंशाल्लाह मैं खिला दूंगा जी। आपका बहुत शुक्रिया यार, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। तो भाई लोग यार, मेरे पास एक बहुत एक अच्छा आइडिया आया है। क्या यार, आप लोग जानते हैं अमीर भाई इस वक्त बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में है, उनके दोस्त का ऑपरेशन है, बाइक सेल हो चुकी है, मोबाइल सेल हो चुका है। अच्छा। बहुत पैसे हैं उनके पास, अभी आ चुके हैं, दोस्त का ऑपरेशन है, काफ़ी पैसे चाहिए, तो यही मौका है, इससे अच्छा मौका आने वाला भी नहीं। तो अगर हम हसन को अमीर भाई के खिलाफ कर दें तो कैसा होगा? बिल्कुल ठीक है भाई, हमारे लिए भी फायदा। तुम जाके यार उसको बोलना, हसन को जाके अपने दोस्त से पैसे मांगे, बोले मुझे ज़रूरत है, मुझे पैसे कुछ दो भाई। अगर तुम्हारा सच्चा दोस्त हुआ तो तुम्हें पैसे देगा, वो तुम्हारी मुश्किल वक्त में मदद करेगा, तो तुम जाकर उसे बोलना भाई मुझे पैसे चाहिए, मुझे पैसे दो। अगर वो पैसे देगा तुम्हारा अच्छा दोस्त होगा, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, उसे जाकर अच्छी तरह तुम्हें भड़काना है किस्म का। अच्छा। भाई वो उसके पास जाएँ, वो इस वक्त बहुत ज़्यादा मुश्किल में है, प्रॉब्लम में है, वो पैसे उसको दे नहीं सकते, उन्होंने दोस्त का ऑपरेशन करवाना, उन्होंने खुद सब कुछ सेल किया, तो ठीक है तुम अब जाओ उनके पास, तो जाके बोलो। अच्छा ठीक है, ठीक है तुम जाओ। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है? वालेकुम सलाम हसन, कैसे हो? और सेहत भी कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाओ? स्टडी कैसी जा रही है? फिट फाट, ज़बरदस्त। यार कोई काम था आपसे? अच्छा, मेरे साथ काम, हुक्म करो यार, तुम तो दोस्त हो अपने। यार कुछ पैसों की ज़रूरत थी, अगर हो सके तो। पैसे? यार पैसे तो नहीं है मेरे पास। वालेकुम सलाम, क्या हाल है भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, क्या हाल है? ठीक है जी भाई, ऐसे तो आपको ये बताना था कि आपका मोबाइल ना अच्छी कीमत पर सेल हो गया। अच्छा, और पैसे आपके जो है ना वो आपके अकाउंट में मैंने ना ट्रांसफर कर दी। ओके सर, बहुत शुक्रिया आपका, मैं बस इसी चीज़ का वेट कर रहा था, इसमें मुझे बहुत जरूरत थी। थैंक यू यार, आप जा सकते हैं, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। फिर ये क्या क्या हुआ है? वो आपको कह रहा है कि पैसे ट्रांसफर कर रहा है, तो ये तो यार यानी पैसे आपके पास हैं, आप देना नहीं चाहते? यार ऐसी बात नहीं है यार, आपको गलतफहमी हुई है, इसमें बात कुछ हो रहा है। नहीं यार, आपका दिल ही नहीं है पैसे देने पे। यार ऐसी बात नहीं है, सब सही कहते हैं यार। ओके ठीक है, यार ऐसी बात नहीं है यार, मुझे पता था ज़रूरत के टाइम वैसे भी कोई काम नहीं आता। ओके यार, बात बात सुनो यार, क्या हो गया यार? मुझ पर यकीन नहीं है यार, ऐसी बात नहीं है। कितने पैसे चाहिए आपको? मुझे 50,000 रुपये। 50,000 चाहिए? यस। आप घर जाओ, आपके घर पहुँचने तक आपके अकाउंट में 50,000 आ जाएगा, ये मेरा वादा आपसे। चलें देख ले, ठीक है, बाकी कोई मसला नहीं है, घर पहुँचो। ओके, मैसेज आ गया, क्या बात है, रकम भेज भी दी है। फिर कुछ समझ नहीं आ रही है, वो लड़का कुछ कह रहा था, अमीर भाई वहाँ परेशान थे, मेरे ख्याल से अमीर भाई के पास जाना चाहिए। हाँ जाना चाहिए। ये सारा आप लोगों का प्लान है यार, हमें सब कुछ पता चल चुका है यार। कुछ मैंने भाई, हमसे यार गलती हो गई, हम लोगों ने दोस्ती आपकी तोड़ने का बहुत कोशिश किया, लेकिन यार आप लोग बहुत नहीं, आप लोगों ने हर ये किया तो किया क्यों, मुझे इसका जवाब चाहिए यार। बस हम लोग जरा आप लोगों की दोस्ती देख के तो हम जरा जलते थे आपसे यार, हमने बहुत कुछ की दोस्ती तोड़ने की, लेकिन
यार अच्छी दो, अच्छी, अच्छी अच्छी जो दोस्ती होती है ना वो कभी टूटती नहीं है। आप लोग याद रखना अपनी गलती का एहसास हो गया तो आइंदा नहीं करेंगे। चलो अगर आप लोगों को एहसास हो गया क्या करेंगे आप? ठीक है यार माफ कर दें, माफ कर दें कोई बात नहीं। चलो ठीक है नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं करना। अल्लाह की कसम मेरे नबी का फरमान है माफ करने से इज्जत घटे तो मुझसे ले लो।